महाराष्ट्र से तोकते तूफान जा चुका है। बारिश बंद हो गई है, धूप भी निकल गया है, पर तूफान अपने पीछे जो तबाही मचा कर गया है उसका नुकसान भरने में वक्त लगेगा शायद। विरार सतपाला में मदर टेरेसा होम पर मानो पहाड़ टूट गया है। मदर टेरेसा एक होम है जहां बेसहारा लोगों को पनाह मिलता है। तूफान ने पूरे होम को तहस नहस कर दिया है, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए हैं, इनका इलाज जारी है। मदर टेरेसा होम में 70 से 80 लोग रहते हैं, इनका देखभाल यहीं किया जाता है। फिलहाल तहसीलदार की तरफ से पंचनामा होना बाकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं मदर टेरेसा आश्रम से बोल रही हूँ, पल्लवी पाटिल। यहाँ मैं काम करती हूँ ऑफिस में। हमारे यहाँ उस दिन वो हादसा हुआ, वो 3-3:15 के बीच में हुआ। बहुत तूफान था और बारिश थी। हमारे यहाँ के पिछला जो पूरा हिस्सा है वहाँ के पूरे छप्पर गए, बहुत से लोगों को घायल हुए। फिर मैंने सिस्टर को उन लोगों को आवाज़ दिया, उनको लेके आई और उनको कैसे भी करके हम लोगों ने उनको व्हीलचेयर पे बिठा के बाहर लेके आए, उनको बिठाया। फिर मैंने मेरे लड़के को हॉस्पिटल में भेजा, मैडम को और सर को लाने के लिए बोला और एम्बुलेंस आई और हमारे 10-12 जन को जिनको लगा था उनको लेके गई और एडमिट किया। फिर हमने जो जख्मी हुए थे, जो घबराए थे, उनको कैसे कैसे ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि वो सेफ रहे, और उनका कपड़े वपड़े सब गीला होता है। जिनको लगा है क्या नहीं लगा है वो पूरा हमने देखा। फिर बाद में मैडम सर आए, उन्होंने भी देखा कैसे हुआ है क्या हुआ है। और फिर पुलिस स्टेशन आगरी पुलिस स्टेशन, ये अरनाड़ा आगरी पुलिस स्टेशन, वो शेट्टी साहब जो है उनकी पुलिस टीम आई, उन्होंने हमें हेल्प किया। झाड़ भी जहाँ गिरे थे वो काट दिए, उनको उठाया और हमें खाने का, हमारा खाने पीने का सब बंदोबस्त हुए। हमारे यहाँ सब लाइट गई तो फिर पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। चाय से लेके खाना नाश्ता सब उन्होंने अरेंज करके दे दिया। हमने ये कैसे किया और कैसे एडजस्ट किया, कैसे हमला रहा लोगों को बचाया, ये हम जानते हैं और हमारा भगवान जानता है और कुछ नहीं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम टोटल 65-67 हैं और स्टाफ लेके पूरा 80 जन। घायल कितने लोग हुए हैं? 12 जन हुए हैं। उनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, बेटर है। नमस्कार, मैं विक्टर लोबो, चेयरमैन ऑफ मदर टेरेसा आश्रम सतपाला विरार स्थित, बात कर रहा हूँ आपसे। 3 दिन पहले जो हादसा हुआ, जो आफत हमारे ऊपर आ गई, उसने काफ़ी तबाही मचा दी। हमारे यहाँ के जो पैलेटिव केयर यूनिट है, सेमी पैलेटिव केयर यूनिट है, दोनों भी बिल्डिंग पूरी नष्ट हो गई और हमारी जो तीसरी मेन बिल्डिंग थी उसकी भी छत उखड़ गए। काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो गई। 12 लोगों को हमको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। फायर ब्रिगेड सब लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की मदद लेने की, लेकिन कोई भी मदद हम तक पहुंची नहीं। इस बीच में अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज महेश शेट्टी जी ने हमको काफ़ी हेल्प की। उन्होंने उनकी पूरी टीम, 30 लोगों की सुरक्षा दल की टीम हमारे पास हमारे सहयोग में भेजी। 2 दिन का खाना हमको भेज दिया। काफ़ी लोग आके, स्वयंसेवक लोग, काफ़ी हमारे चाहने वाले, हमारे यार दोस्त सब पहुंच गए मदद में। अभी ठीक है हालत थोड़ी सी। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग बचे हुए आश्रम में उनको हम सही तरह से शेल्टर दे पाए। हम सब लोगों का शुक्रगुजार करते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स है, हमारे जो लोग हमारी सहायता में आए हैं और अभी भी सहायता जो हमारे जगह पर कर रहे हैं उनका हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं, उनके हम आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा संकट किसी के ऊपर भी ना आए, और अगर आए तो उनको सब जगह से सहायता मिले। शुक्रिया। नाम बताइए। मैं सिस्टर ललिता। क्या हुआ था उस दिन? चक्रवर्ती हवा चला तो पूरा पेड़ वगैरह गिरे और पेशेंट के रूम में भी पूरा पत्रा इधर से उधर हो गए, उड़ गए, और पेशेंट के ऊपर थर्माकोल पत्रा वगैरह गिरे तो हम उनको बड़ी मुश्किल से निकाले, जैसे तैसे निकाले और उनको जिनको लगा था उनको हॉस्पिटल भेजे। मैडम उस दिन क्या हुआ, तूफान आया तो क्या हुआ था? 17 तारीख करीब 3:11 में एक ही बार जोर से आवाज़ आया और जो डाइनिंग टेबल है वहाँ एक पेड़ गिरा। उसके बाद में
जब मैं बाहर निकली तो देखे कि पीछे तरफ के जो वार्ड है वो वार्ड में मतलब पूरे पतरा उड़ चुका था और हमारे पेशेंट अंदर सो रहे थे, उनके ऊपर थर्माकोल और जो क्या बोलते पतरा था वो उनके ऊपर गिर रहा था। तो मैंने दौड़ के गई और सबको आवाज़ लगा रही हूँ और सब पेशेंट लोगों को मतलब जो चल नहीं पा रहे थे उन लोगों को व्हीलचेयर में चेयर में ऐसे पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। पर हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ कि बारिश भी था और हवा इतना ज़ोर से चल रही थी, पेड़ सब उसके ऊपर गिर रहे थे, तो उनको बहुत लोगों को पतरा लगा, थर्माकोल लगा। और उसके बाद में जो ए साइड में लाने के लिए भी चाह रहे थे पर ए साइड का भी जो एक पेड़ सब गिर रहा था तो हम लोगों के लिए मुश्किल हुआ।